दोस्तों निवेशकों के फिर कुछ सवाल आए हैं जिनको लेकर कंफ्यूज है, तो उनके सवालों के जवाब मैं फिर दे रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें अक्टूबर नवंबर से पैसा मिलने की बात कही गई थी कि हो सकता है अक्टूबर नवंबर से पैसा मिलना शुरू हो जाए, तो उसी के ऊपर कुछ और सवालों के जवाब मैं दे रहा हूँ जो इस वीडियो में, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहला सवाल है कोमल शर्मा जी का, सर नॉमिनी वालों का क्या होगा और कब होंगे आवेदन? तो देखिए, आप वीडियो अच्छी तरीके से नहीं देखते हो तभी आप ये बार बार रिपीट क्वेश्चंस करते हो। मैंने बताया था 31 जुलाई तक ये आवेदन चल रहे हैं, 31 जुलाई के बाद एक अपडेट आएगी जिसमें आवेदन हो सकता है, क्योंकि सेबी ने कहा है कि 31 जुलाई के बाद नए आवेदन होंगे जिसमें नॉमिनी या जिसका बॉन्डधारक मर चुका हो या जिसके 2500 रुपये में जमा है और उनका पैसा भी नहीं आया और अब भी आवेदन नहीं हो रहा या डज नॉट एग्जिट दिख रहा है, किसी भी तरीके से उनका आवेदन नहीं हुआ, उनका 31 जुलाई के बाद जो नई अपडेट होगी आवेदन प्रक्रिया की उसमें आवेदन होने के चांस है, इसलिए 31 जुलाई तक आप इंतज़ार करें। एमडी शोएब अंसारी जी, पीएसएल में हमने फॉर्म सबमिट कर दिया है, कब तक मिलेगा पैसा? मैंने पिछली वीडियो में तो बताया है कि अक्टूबर नवंबर से मिलना शुरू हो सकता है, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जंग बहादुर कनौजिया जी, सर जी नमस्कार, आप न्यूज़ कंटिन्यू दे, नाम गलत में एफिडेविट लगाने का कोई अपडेटेड हो तो दे। देखिए सर, अभी तक कोई अपडेटेड नहीं आया, 31 जुलाई के बाद अपडेट इस तरह का आ सकता है, मगर नाम यदि आपका पैन कार्ड में और बॉन्ड में सिर्फ स्पेलिंग की दिक्कत है या सर नेम की दिक्कत है तो आप एज इट ऐसे ही भर दीजिए फॉर्म को। यदि आपके पैन कार्ड में राम कुमार सिंह लिखा हुआ है या बॉन्ड में राम कुमार लिखा हुआ है तो आप इस तरह से भर सकते हो। यदि पैन कार्ड का जहाँ पे ऑप्शन आएगा जो पैन कार्ड में है वो नाम पैन कार्ड में लिखिए, जहाँ पर बॉन्ड में नाम है वो बॉन्ड में लिखिए, जो आधार में है वो आधार में लिखिए, बस नाम चेंज नहीं होना चाहिए, पहला जो फर्स्ट नेम है वो चेंज नहीं होना चाहिए, आप भर दीजिए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा फ़ोटो मिलान के द्वारा, जो वेरिफिकेशन होगी उस द्वारा हो जाएगा। शिवम सैनी जी, सर हमने पीएसएल में एफडी की थी और वो पीएसएल बंद होने से पहले पूरी हो गई थी और मैंने उसको रिन्यूअल कर दिया था, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यदि आपने एफडी की थी तो अब आवेदन चल रही है, एफडी के आपके पास बॉन्ड होगा उसी बॉन्ड से आपका आवेदन हो जाएगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा रसीद की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पहली रसीद जो होती है बॉन्ड में लिखा होता है तो आप बॉन्ड से भी कर सकते हो, रसीद हो तो और अच्छी बात है, वो भी लगा दीजिए, आप आवेदन कर दीजिए। नरपत कुमार शर्मा जी, लोटस की भी न्यूज़ दो, क्योंकि पीएसएल ने ही लोटस में पैसा लगवाया था, उनका भी कुछ बताना। बिल्कुल सर, लोटस की न्यूज़ हम एक दो दिन में लेकर आएंगे ज़रूर, उसमें क्या चल रहा है क्योंकि हम उसके डायरेक्टर से बात करेंगे, बात करने के बाद कल या परसों की वीडियो में हम आपको ज़रूर लोटस की खबर देंगे। जमशेद अली अंसारी जी, सर हमेशा डेट बढ़ते रहते हैं, डेट फिक्स नहीं होता है, कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या हो रहा है, कब तक हम इंतज़ार करेंगे, सही जानकारी कब तक मिलेगी? देखिए सर, कोशिश तो हम सही जानकारी देने की करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सेबी ने कहा वही जानकारी हम आपको देते हैं, हम अपने पास से कुछ भी नहीं बता सकते। सेबी की पिछली रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी और उसमें बताया गया था कि 31 जुलाई के बाद वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन के साथ में ही नई अपडेट निकलेगी और उसी के वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका पैसा मिलेगा, यानी कि आप लगा लीजिए कि एक डेढ़ महीना वेरिफिकेशन में ले जाएंगे ये लोग और उसके बाद हो सकता है 2 महीने भी ले जाए, और 2 महीने बाद यदि हम जुलाई के बाद लगाते हैं अगस्त सितंबर तो अक्टूबर नवंबर से पैसा मिलने स्टार्ट हो सकता है, इसी वजह से हमने आपको बताया है। परसोत्तम सिंह जी, सर जिनके पास बॉन्ड और लास्ट रिसिप्ट है, सेंटर की रिसिप्ट नहीं लास्ट वाली है, उसका क्या होगा? सर जी 31 जुलाई तक इंतजार कीजिए, उनका भी 31 जुलाई के बाद जो अपडेट होगी उसमें आवेदन होगा। निर्भय सिंह जी, पैसा कब मिलेगा? भैया पैसा अक्टूबर नवंबर से मिलना शुरू हो सकता है। पीयूष कुमार जी, आप पैसे दिलाने की हर कोशिश कर रहे हो, थैंक्स। थैंक्स आप लोगों का भी कि आप लोग हमारे चैनल के ऊपर विश्वास कर रहे हो और हम कोशिश करते हैं सच न्यूज़ आप तक पहुंचाने की। जमशेद अली जी, हमारा जितना रास्ता है इसके करके ऑनलाइन कर के जमा कर दिया है। सर जी कुछ समझ में नहीं आया, यदि आपने ऑनलाइन जमा कर दिया फॉर्म तो अच्छी बात है, आप इंतजार कीजिए। जुबेदा बब्बर जी, मैंने अभी तक अप्लाई किया नहीं क्योंकि मेरे कुछ रसीद कम क्या
है, मैं एजेंट से लिखवा कर कच्ची रसीद लगा सकती हूँ? क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लगा सकती। जो रसीद है आपके पास उसी वही मान्य होगी, और रसीद यदि आपके पास कम है ज़्यादा ही, तो आपको आवेदन करने का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। 31 जुलाई के बाद जो नई प्रक्रिया होगी उसमें आवेदन करने का बेनिफिट है। सैनपाल सिंह जी, सर क्लियरली क्या है? देखिए जी, सर क्लियरली तो यही है कि अक्टूबर नवंबर से हमें उम्मीद है पैसा मिलना ज़रूर शुरू हो जाएगा। कंफर्म कुछ नहीं है, क्योंकि सेबी कभी किसी को कंफर्म नहीं बता रही। जोमराम बंजारा जी, सर संसद में जो मुद्दा उठाया गया है उसका वीडियो अगले वीडियो में हमें दिखाइए। सर जी, मैं उसका वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि उस पर LSTV की मोहर लगी हुई है और हमारे चैनल के ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से मैं किसी की कॉपी नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर है कि संसद में 1-2 विधायकों ने PSL का मुद्दा उठाया है, और आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो है उसका भी मुद्दा उठाया है। अब एक्शन क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। जगदीश सिंह जी, हेलो हेलो सर। सिकंदर लाल जी, 1 जुलाई अब अक्टूबर, ये और लोड़ा और सरकार सब मिले हैं, इसलिए आपको पैसा देना नहीं चाहते। देखिए, ये तो सब जानते हैं, सब मिली जुली भगत है। अब तो पैसा निकलवाना है, दबाव डाल के निकलवाना है, किसी भी तरह निकलवाना है, मगर पैसा किसी तरीके से निकल जाए। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हम आप तक लेकर आते हैं, और आप लोगों के साथ के बिना कुछ नहीं होगा। कन्हा राम जी, सर जी नमस्कार, मैं अभी तक बॉन्ड जमा नहीं करवाया है, कब तक करवा सकता हूँ? लास्ट डेट बता सकते हो? सर जी, लास्ट डेट 31 जुलाई है, 31 जुलाई तक आप बॉन्ड जमा करवा दीजिए। ऑनलाइन आवेदन हो रहा है और अच्छी साइट चल रही है, अब कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और किसी ने दूसरी भाषा में लिखा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किसने क्या लिखा है। तो निशा चौधरी जी, अभी तक कोई एग्जैक्ट डेट डिक्लेयर नहीं की रिफ़ंड की, अप्रैल में ही ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। एनी इन्फो रिगार्डिंग रिफंड डेट? तो मैम, अभी तक क्लियर रिफंड डेट नहीं है, मगर हाँ, अक्टूबर नवंबर से आपका पैसा मिलना शुरू हो सकता है, और ये भी कंफर्म नहीं है, उम्मीद लगाई जा रही है जिस तरीके से सेबी हमसे बात कर रही है। संतोष कुमार वर्मा जी, फैजाबाद ब्रांच ऑफिस में तो कई माह तक 21 अगस्त की रसीदें दी गई है, पूछने पर कंपनी के बंद कोर्ट द्वारा जल्दी ही हटाने की बात बताई जाती थी। जी हाँ, बिल्कुल, हर जगह इसी तरह का काम हुआ है, और यहीं पर जो है घपलेबाजी हुई है। रविकांत सरोवा जी, भाई सिर्फ PSL पर ही जोर दे रखा है, और कंपनियों को भी तो मिलाओ साथ में। सर जी बिल्कुल मिलाएं, मगर किसी कंपनी की कोई न्यूज़ आए तभी तो हम कुछ मिलाएं, क्योंकि PSL का मुद्दा इतना बड़ा है कि यदि PSL का पैसा मिलना शुरू हो गया तो ये जितनी भी छोटी बड़ी कंपनी है सब का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, इसी वजह से हम PSL का मुद्दा ज़्यादा उठा रहे हैं। जग बहादुर जी, त्रिपाठी जी कब तक चलेगा ये? भाई ये तो त्रिपाठी जी जाने, हमारे पास जो न्यूज़ आती है हम आप तक पहुँचा देते हैं। संतोष कुमार वर्मा जी, जिन पेपर के रिकॉर्ड मच नहीं हो रहा है उसमें क्या करें? ऑनलाइन हो पा रहा है उसमें निवेशक को एजेंट द्वारा फर्जी पेपर देने की बात कही जा रही है, प्लीज़ रिप्लाई में। अकबरपुर अंबेडकर नगर UP की ब्रांच ऑफिस का हाल है? देखिए, यदि अकबरपुर की है, ये कानपुर की आप बात कर रहे हैं, तो विकास त्रिपाठी जी से मिले, वे जरूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन बताएंगे इसका, क्योंकि आपके नज़दीक ही पड़ता है, और जहाँ पर ये मीटिंग होती है शायद हर संडे को PSL भवन में, पल्स भवन में होती है माल रोड पर, आप वहाँ पर जाकर उनसे मिल सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि जिनका रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है, 31 जुलाई के बाद जो नई प्रक्रिया शुरू होगी उसमें आवेदन आपके हो सकते हैं। सुरेश कुमार जी, सर जिनके डॉक्यूमेंट्स पहले जमा है? सर जी मैं कई बार बता चुका हूँ, जिनके डॉक्यूमेंट्स पहले जमा है उनका 31 जुलाई के बाद नई प्रक्रिया में जब आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी तब स्टार्ट हो गए। निर्मला वेंकटेश जी, मोदी के पीछे 40 चोर, ये तो आप हमसे ज़्यादा जानती है, हम कैसे बता सकते हैं। मानिक राम जी, PSL के सभी लोगों को अंदर करवाना चाहिए। PSL में तो शायद मुझे लगता है मानिक राम जी आप भी होंगे, आप भी साथ में चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि PSL के सभी लोगों में तो आप भी आ गए हैं। PSL के सभी लोगों ने क्या बिगाड़ा है? आप यहाँ पर आपको कमेंट्स करना चाहिए था, ये PSL के जितने भी ऐसे सीनियर्स हैं जो साथ नहीं दे रहे, PSL के जो बड़े अधिकारी, जो डायरेक्टर्स थे, जो मैनेजर थे, उनको अंदर करवाना चाहिए, आपने उल्टा ही लिख दिया है। इसलिए जब कमेंट्स करें तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर क्या करें। प्रदीप के तिवारी, आप राइट हो जी, धन्यवाद आपका।
एमडी अशरफ जी, क्या मजाक बना दिया है? सर जी, मजाक तो पीएसएल का पहले ही बना हुआ है, हम क्या मजाक बनाएंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है दोस्तों, वीडियो में मैंने आपके प्रश्नों के जवाब दिए हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यदि आपको वीडियो पसंद आई है और आप पीएसएल और अन्य चिटफंड कंपनी की न्यूज़ हमसे पाना चाहते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।